हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर का यूज़ कब करना है, किस टाइम पे आप लोग आपका बाइक और स्कूटी का इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पहले आप लोगों को बता दूं, आपका जो इसको इंडिकेटर बोलते हैं, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है, इंडिकेटर इसके अंदर एक लाइट मिलेगा आपको। इंडिकेटर ऑन कैसे करना है, आपका स्कूटी का जो हैंडल है इसका लेफ्ट साइड में आप लोगों को इंडिकेटर स्विच मिलेगा। अगर आपके सामने टर्निंग आ गया, आपको टर्न लेना है लेफ्ट साइड में, अगर आपको टर्न लेना है तो उस टाइम में आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है इसको लेफ्ट साइड की तरफ दबाना होगा। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक लाइट ऑन ऑफ हो रहा है आपका मीटर के सामने, स्कूटी के मीटर के सामने, और आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर भी ऑन हो गया। देख सकते हो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जो लाइट है वो ऑन ऑफ हो रहा है, इसको इंडिकेटर बोलते हैं। और अगर आपको राइट साइड में टर्न लेना है, राइट साइड में जाना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपका जो इंडिकेटर स्विच है इसको राइट साइड की तरफ दबाना होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राइट साइड के इंडिकेटर ऑन है। अभी मैं आप लोगों को बाइक का जो इंडिकेटर है इसके बारे में आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाइक का भी आप लोगों को इंडिकेटर का जो स्विच है इसको, वो भी आप लोगों को बाइक का जो हैंडल है इसका लेफ्ट साइड में आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे बाइक का इंडिकेटर स्विच है, इसको अगर आप लोग लेफ्ट साइड में टान लेना है तो उस टाइम लेफ्ट साइड की तरफ दबा के उसके बाद छोड़ देना, तो इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन होगा। और अगर आपको राइट साइड की ओर जाना है, टर्न लेना है, तो उस टाइम में राइट साइड का इसको राइट साइड की ओर दबाने से राइट साइड में जो इंडिकेटर है वो ऑन होगा। और यहाँ पे आपको एक निशान दिख रहा होगा, लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब कि इससे पता चलता है कि मेरा राइट साइड का इंडिकेटर ऑन है। देख सकते हो जब आप टर्न ले लोगे उसके बाद आपका जो बाइक बा या स्कूटी का जो इंडिकेटर है इसको ऑफ करना आप लोग मत भूलना। इसको आपको आप लोग ध्यान में रखना कि इसको ऑफ भी करना है, नहीं तो ऑन रहेगा, इससे जो पीछे गाड़ी आ रहा है इसको भी वो समझेगा कि आप राइट साइड के इंडिकेटर ऑन किया तो आप लोग आप राइट साइड में जाने वाले हो, तो इसीलिए वो समझेगा कि राइट साइड में जाने वाले, तो इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए आपका जो इंडिकेटर है इसको ऑफ करना आप लोगों को याद रखना होगा। इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए, इंडिकेटर का यूज़ करने से क्या होगा, आपका आप लोग देख सकते हो ये इंडिकेटर यूज़ करने से आपका पीछे जो गाड़ी आ रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि सामने जो गाड़ी जा रहा है ये लेफ्ट साइड में जाने वाला है, आपको बताना नहीं पड़ेगा। आपका जो इंडिकेटर ऑन करने से आपका इंडिकेटर ही बता देगा कि बंदा लेफ्ट साइड में जाने वाला है या राइट साइड में जाने वाला है, तो उसको पता चल जाएगा। वो अगर आपके पीछे आ रहा होगा तो उस टाइम में उसका जो बाइक या स्कूटी जो भी हो कार, इसका जो स्पीड है उसको कम करेगा। उसको पहले अगर 80-90 स्पीड में जा रहा होगा तो इसको 60-70 में लेके आएगा, क्योंकि आपको पहले जाने देगा। आप लेफ्ट साइड की ओर जाना चाहते हो, टर्न लेना चाहते हो, तो आपको लेफ्ट साइड की ओर जाने देगा, उसके बाद ही वो उसका जो स्पीड है इसको ज़्यादा करके निकल जाएगा सामने से। तो अगर आपका गाड़ी इस पोजिशन में है, तो इस पोजीशन में अगर कोई गाड़ी जा रहा है तो इस टाइम में इंडिकेटर का यूज़ करने से आपको एक्सीडेंट भी नहीं होगा, वो थोड़ा ब्रेक मार के पीछे चला जाएगा और आपको जाने देगा। तो इंडिकेटर का यूज़ करने से ये आप लोगों को फ़ायदा है। आप लोग रोड में जब एक बाइक या स्कूटी को चला रहे हो तो उस टाइम में आपका तो इंडिकेटर का यूज़ करना होगा,
और सामने जो गाड़ी जा रहा है, जैसे कि सामने एक बाइक जा रहा है, उसका इंडिकेटर ऑन है कि नहीं है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्योंकि उसका अगर राइट साइड का इंडिकेटर ऑन होगा, अगर आपको नहीं पता है वो इस साइड से जा रहा है तो आपको नहीं पता कि उसका राइट साइड का इंडिकेटर ऑन है, आपको नहीं पता, आप दिखाई नहीं दिया, तो आप इस बाइक का इस साइड से जा रहे हो तो इस टाइम में वो तो टर्न ले लेगा, सामने टर्निंग आ गया वो तो टर्न ले लेगा, तो आपको तो दिखाई नहीं दिया, इससे क्या होगा आपका जो स्कूटी है उस बाइक से टक्कर खा सकता है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दिया वो राइट साइड में जाने वाला है। तो अगर इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि सामने जो गाड़ी जा रहा है, कार हो बाइक हो जो भी हो, वो उसका इंडिकेटर ऑन है कि नहीं है, उसका इंडिकेटर राइट साइड वाला ऑन है या लेफ्ट साइड वाला ऑन है, वो किस तरफ जाने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों को दूसरों का गाड़ी का भी इंडिकेटर ऑन है कि नहीं है आप लोगों को ध्यान देना होगा। इस तरीके से आप लोग इंडिकेटर का यूज़ करके बाइक या स्कूटी चला सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।